वेलकम बैक, दिस इज ऋषि राठौर, लाइफ कोच एंड अ सक्सेस कोच। आज कम्युनिकेशन स्किल्स के जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, क्रैश कोर्स, उसकी आज दूसरी क्लास है, यानी डे टू है। और आज हम बात करने वाले हैं कि लोगों की सच्ची प्रशंसा कैसे करें, उनकी सच्ची तारीफ कैसे करें, ऐसा क्या उनको कहें अगर उनका कुछ अच्छा गुण हमें नजर आ रहा है, कि फेक ना लगे, चापलूसी ना लगे। तो यही आज हम बात करेंगे इस वीडियो की। देखिए, रिसर्च से पता लगा है कि अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो लोग आपको बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन साथी की, अपने गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, सबकी तारीफ करिए। और हर किसी में कुछ ना कुछ एक गुण जरूर ऐसा होता है जो सराहनीय हो, जिसकी आप तारीफ कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने अपने अंदर यह हैबिट डाल ली ना, तो आपके लिए एक नया संसार खुल जाएगा। आप उसके मुंह पर फेस टू फेस किसी भी चीज को लेकर तारीफ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लग रही है। आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि आप एक बहुत अच्छे टीचर है, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, आपका गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन तारीफ करने में आपको क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरह से तारीफ करें ताकि वो एकदम सच्ची लगे, एकदम ट्रू तारीफ लगे, उसके बारे में हम थोड़े से और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सो सच्ची प्रशंसा करने के लिए, ट्रू अप्रिशिएशन करने के लिए, देने के लिए सबसे पहला पॉइंट है यूज द नेम। देखिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको कोई बात करनी है, सामने वाले पर्सन का नाम लीजिए, उसके नाम से उसको बात करिए, उसका नाम दोहराइए। ऐसी लैंग्वेज मत यूज करिए, अरे ओए। देखिए, अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये आपकी कम्युनिकेशन को किल कर देगी और सामने वाले पर्सन से आपकी दूरियां भी बढ़ाएंगी। आप अगर किसी का नाम लेकर उससे बात करते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आपकी आने वाली बातें वो सुनेगा और देर तक सुनेगा और इंटरेस्टेड भी होगा आपकी बातों में। देखिए, आप नोटिस करिए, जब आप स्टूडेंट थे और टीचर आपका नाम लेकर आपको बुलाते थे तो आपको कितना अच्छा फील होता था। सेकंड पॉइंट है वाय टेक्निक, वाय का इस्तेमाल कीजिए। अब ये वाय क्या है, देखिए, आप किसी को बता तो देते हैं कि आपके अंदर क्या अच्छा लग रहा है सामने वाले के अंदर, लेकिन आप क्यों नहीं बताते, रीजन नहीं बताते कि क्यों अच्छा लग रहा है। और ज्यादातर चांसेस जो होते हैं, ज्यादातर जो अप्रिसिएशन होती है वो इसीलिए फेल हो जाती है क्योंकि आप क्यों नहीं बताते हैं। रीजन भी बताइए कि आपके अंदर ये चीज अच्छी तो लग रही है लेकिन क्यों लग रही है। अगर आप क्या पर टिके रहेंगे, भाई ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो वो एक चापलूसी समझी जाएगी और एक फेक समझा जाएगा इस चीज को। तो आप क्यों भी बताइए। देखिए, एग्जांपल के तौर पर मान लो विशाल नाम का एक लड़का है, वो एक बहुत अच्छा टीचर है, तो आप बोल सकते हो, विशाल, आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। क्यों? क्योंकि आप सब पर बराबर ध्यान देते हैं। आयुषी नाम की एक लड़की है जिसका हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको ये कह सकते हैं, आयुषी जी, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी आंखें, आपका चेहरा उभर कर आता है और बहुत क्यूट लगता है। तो आप इस तरह से अगर तारीफ करेंगे तो तारीफ सच्ची लगेगी। और व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल भी जरूर करिए। थर्ड पॉइंट है हाउ टू एक्सेप्ट अप्रिशिएशन। अब मान लो आपकी ही कोई तारीफ कर देता है तो आप उसको पलटकर क्या जवाब देंगे। सबसे पहले, अगर आपकी किसी ने तारीफ की है तो आप उसको इस चीज के लिए थैंक्स कहिए, उसकी तारीफ को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी सद्भावना भी दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो विजय नाम का कोई पर्सन है जो आज आपकी तारीफ कर देता है, आपकी मान लो आपकी कार की तारीफ कर देता है, वो कहता है कि आज आपकी कार बहुत अच्छी लग रही है, तो आप सबसे पहले विजय को थैंक्स बोलिए। आप कह सकते हैं कि थैंक यू विजय, आज ही मैंने अपनी कार को धोया है और इसको पॉलिश किया है और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। तो इस तरह से सामने वाले पर्सन को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपकी किसी ने तारीफ कर दी और आपने उसको पलटकर कोई जवाब नहीं दिया ना, और खाली थैंक्स भी कह दिया, तो ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है ना थोड़ा नेगेटिव पर्सन है, या मेरी जो बात है, मेरी जो अप्रिशिएशन है, इसको ये ठीक तरीके से सीरियसली तरीके से नहीं ले रहा है। तो ये कुछ मैंने आपको ऐसे पॉइंट्स बताए हैं ना जो आपको आपकी कम्युनिकेशन लेवल को ना नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाएंगे। देखिए, मेरी बात आप ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए। हर एक किसी के अंदर, चाहे कोई भी हो, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक अच्छा गुण होता है। और आज से ही आप ये आदत डालिए कि हर किसी की आप तारीफ करेंगे जिसका एक अच्छा गुण आपको नजर आ रहा है। अगर देखिए, दुनिया में अगर सब ऐसे ही करने लगे, हर किसी के एक अच्छे गुण की तारीफ करने लगे, तो ये समाज कितना खूबसूरत बन जाएगा। बट आज के टाइम पर हम देखते हैं, अगर हम किसी की तारीफ भी कर देते तो लोग कहते हैं, अरे यार ये तो झूठ बोल रहा है, अरे ये तो मजाक कर रहा है, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि आप उनकी तारीफ तो कर देते हैं लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं बताते कि क्यों ये चीज अच्छी है। तो कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन लेवल को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।